टोटल आपको 5 कलर्स मिलते हैं। बेटर रहेगा कि आप इसके जो एसी कंट्रोल्स हैं वो इसके नॉब से ही चलाएं, जो कि है यहाँ पर। हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सफारी का इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये कैसे वर्क करता है, इसमें क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और आप किस तरह से अपनी ड्राइव बेटर बना सकते हैं ये फीचर्स यूज करके। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो जब भी आप सफारी या हैरियर शोरूम से निकाल के लाते हैं वहां पर आपको केवल 3 कलर दिखते हैं। अभी आपको ये पिंक कलर दिख रहा है, उन 3 कलर्स में पिंक नहीं होता, आपके पास आता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू, बट डिफॉल्ट उसमें ब्लू आपको लगा हुआ मिलता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये इंफोटेनमेंट सिस्टम के कलर्स कैसे चेंज करते हैं। तो टोटल आपको 5 कलर्स मिलते हैं। मैं जाता हूँ आपके पास, पहले एक बार थीम में जाता हूँ, मैं आपको थीम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर अभी मैंने यूजर लगा रखा है, ये है जील, ये है जिंग, ये है जेन। तो आपको जेन, जील और जिंग ये तीनों आपको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं। फिर जब आप यूजर में जाते हैं तो यूजर में आपको अभी यहाँ पे एक पिंक कलर दिख रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे कलर्स पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रीन भी है, रेड भी है, ब्लू भी है और ऑरेंज भी है। तो ये 5 कलर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, ये केवल आपको यूजर में मिलेंगे। अगर आप जील में जाएंगे या जिंग में जाएंगे, आप इसको चेंज करेंगे तो आप चेंज नहीं कर सकते। ये पहले से इसकी ब्राइटनेस भी सेट रहती है, ऐसे ही आप जिंग में जाएंगे इसकी भी ब्राइटनेस पहले से सेट है, और अगर आप जेन में जाएंगे इसकी ब्राइटनेस पहले सेट है। तो आप इसमें इन तीनों जो प्री डिफॉल्ट आते हैं उनमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, सारे चेंजेस आपको यूजर में करने पड़ेंगे। तो आपको अगर कलर चेंज करना है अपना थीम का, वो जो कि आपको यहाँ इंफोटेनमेंट में भी चेंज होगा और साथ के साथ MID में भी चेंज होगा, दोनों में चेंज होगा, तो ये आपको यूजर वाले प्रोफाइल में जाकर के चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आपको भाई क्लाइमेट कंट्रोल कितने पे सेट करना है, मैंने 25 पे रख रखा है। तो ये भी आप सेटिंग, जितनी भी कस्टमाइज सेटिंग है वो केवल आप यूजर प्रोफाइल के अंदर कर सकते हैं। तो आप इस पे क्लिक करके यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं। फिर आप साउंड भी है, साउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो साउंड में इसमें आता है कि आपका प्रीसेट कौन कौन से है, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि फ्लैट है, रॉक है और जो भी सारे हैं, यूजर है, तो यूजर फिर स्पेसिफिक है। तो आप यहाँ से यूजर सेट करो और उसके बाद आप जाओ अपने ऑडियो सेटअप में, और ऑडियो सेटअप में आप गाना सुन के अपने हिसाब से यहाँ पे बेस, ट्रेबल और मिड, ये तीनों को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो मुझे ये पसंद आया तो मैंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। वैसे आप चाहो तो फ्लैट, रॉक, जैज, जो उसमें प्री सेट है वो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ आप सेट कर लेंगे ऑडियो प्री सेट्स में, वहां अपने यूजर प्रोफाइल में ऑलरेडी यूजर का प्रोफाइल सेलेक्ट कर लिया है ऑडियो के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो फिर वैसे ही प्ले करेगा। ये हो गया आपका ऑडियो की सेटिंग्स। व्हीकल सेटअप में आपका क्या आता है, पार्किंग असिस्ट आता है, वो सब पूछता है कि आपको जो भी आपका अगर म्यूजिक बज रहा हो उसके साथ वो सुनाई दे या अलग से सुनाई दे। तो मैंने मिक्स विद ऑडियो पे क्लिक कर रखा है कि यस, ऑडियो जो मेरा बज रहा हो उसके साथ साथ ही वो दे। आपको मोर फोकस चाहिए तो आप इसको अनटिक कर दीजिए, और फिर जब आप पार्किंग के लिए जैसे ही आप रिवर्स गियर लगाएंगे आपका ऑडियो चलना बंद हो जाएगा, और सिर्फ जो उसके असिस्ट की वॉइस है सिर्फ वो ही आएगी। पार्क असिस्ट की टोन जो है उसका वही वॉल्यूम आप सेट कर सकते हैं, कौन से टोन चाहिए आप वो भी सेट कर सकते हैं, मैंने 3 नंबर लगा रखी है, आप कोई दूसरा भी सेट कर सकते हैं। फिर आता है लाइटिंग। लाइटिंग में क्या होता है, एम्बिएंट लाइट्स। तो इसमें क्या होता है कि एम्बिएंट लाइट्स जो है आपकी वो आपकी मिलती है इस पे, यहाँ पर ब्लू कलर की लाइट्स चलती है, यहाँ पर जलती है जहाँ पे बॉटल होल्डर है आपका, और ये आपके चारों डोर्स में रहता है। तो उसको ऑन या ऑफ करने का यही ऑप्शन है। मैं अगर अभी कार स्टार्ट करूंगा तो मुझे दिखाएगा कि वो ऑन है कि ऑफ है, आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हैं, मैंने बाय डिफॉल्ट ऑन कर रखी है। अप्रोच लैम्प, अप्रोच लैम्प जो आपकी जो कार की की होती है, मैं आपको दिखाता हूँ चाबी में, ये है कार की चाबी, ये है अप्रोच लैम्प का बटन। इसको जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी गाड़ी की लाइट जो है वो हो जाती है ऑन।
और वो कितने सेकंड तक ऑन रहनी चाहिए वो वाला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 30 सेकंड के लिए ऑन कर रखा है, आप यहाँ 60 सेकंड और 90 सेकंड भी कर सकते हैं। टीआरएल आपको ऑन चाहिए ऑफ चाहिए, मेरे को हमेशा ऑन चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सेट कर लिया है। और वॉइस अलर्ट ऑन ऑफ की जैसे ही क्या होता है कि आपने जैसे गाड़ी जो है मान लो आपने इको मोड में लगाई तो वो यहाँ पर इको मोड जो है वो दिखाएगा और वॉइस अलर्ट भी आएगा इको मोड एक्टिवेटेड या स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेटेड या सिटी मोड एक्टिवेटेड। सो वो वाले पार्ट के लिए ये है कि वॉइस अलर्ट्स आपको ऑन रखने की ऑप्शन थी, मैंने ऑन रखी। फिर एक चीज और थी, अच्छा फोन सेटअप नॉर्मल सा ही है, आप अपना नई डिवाइस पेयर कर लो एंड्रॉयड आईफोन और उसके हिसाब से वो एंड्रॉइड ऑटो या एप्पल कारप्ले ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। वाईफाई कनेक्शन, इस कार का अपना इसमें आयरा कनेक्टेड है तो इसमें वाईफाई भी आता है। आई एम नॉट श्योर कि उसमें वाईफाई से इंटरनेट चलता है कि नहीं, जो कि हम नॉर्मल फोन्स को कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं, बट कार के लिए तो इन्फॉर्मेशन वो आयरा ऐप पे देता ही रहता है। तो ये हो गया। वॉल्यूम सेटअप हमने डिस्कस कर लिया। वॉल्यूम सेटअप में क्या होता है कि जब भी आपकी स्पीड डिपेंडेंट वॉल्यूम आता है कि जी अगर आपका कार तेज चल रही है तो आपको वॉल्यूम बाहर की वजह से एनवीएच नॉइज की वजह से कम सुनाई पड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज कर लेता है, मैंने ऑन कर रखा है। फोन पे अगर कोई कॉल आती है तो वो ऑब्वियसली मुझे इसी पे ही दिखता है, जैसे अभी देखिए कुछ आया तो इसने तुरंत चेंज किया अपना डिस्प्ले और ये मुझे एप्पल कारप्ले का स्क्रीन दिख रहा है, जैसे हटेगा देखिए वापस चला गया, राइट। तो ये चीजें सेटिंग्स में अवेलेबल हैं। आप फोन का वॉल्यूम रख सकते हैं कि भाई मुझे 30, ये इसका 30 इज द मैक्सिमम वॉल्यूम, तो फोन कॉल में बात करने के लिए तो 30 चाहिए ताकि मैं ब्लूटूथ पे आराम से बात कर सकूं। कार जब स्टार्ट करते हैं तो जो है आपका इंफोटेनमेंट का जो वॉल्यूम होना चाहिए वो मैंने 7 रखा है, 7 नंबर पे, इसको 5 भी रख सकते हैं, दोनों बहुत ही बढ़िया है। नोटिफिकेशन वॉल्यूम, जो भी वो वॉइस अलर्ट थे उनके नोटिफिकेशन आते हैं तो किस वॉल्यूम पे प्ले करेंगे, तो 14 पे रखे हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। सिस्टम सेटअप, ये ऑटोमेटिक सिंक है डेट और टाइम का, यस ये तो ये प्रीसेट है, मैंने इसको छेड़ा नहीं है। और थीम्स हमने भी डिस्कस कर लिए, सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है ये वो है। सो ये है मेजर आपका इंफोटेनमेंट का। इसमें एक चीज और है वो है कैबिन का AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ, कैबिन का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इस समय बेस्ट। AC के कंट्रोल्स हैं वो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ जाएंगे, ये है AC का कंट्रोल, और यहाँ से आप AC ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप ऑटो मोड यहाँ पे अभी लगा हुआ है, इसमें कौन सा वाला मोड चल रहा है वो आप देख सकते हैं, राइट। और कितना डिग्री टेम्परेचर सेट है, क्या इसकी फ़ैन की स्पीड है, आप ये सारी चीज़ें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये भी एक आपको हैंडी सोल्यूशन है, बट बेटर रहेगा कि आप इसके जो AC कंट्रोल्स हैं वो इसके नॉब से ही चलाएं, जो कि है यहाँ पर, राइट, यहाँ से ही करें तो बेटर रहेगा। ये इसके फैंस के कंट्रोल्स हैं, इससे कम होता है फ़ैन की स्पीड, इससे ज़्यादा हो जाती है, यहाँ पे AC ऑन है, ये अंदर की हवा सर्कुलेट करने के लिए है, यहाँ से AC ऑफ हो जाता है। ऑटो क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक AC क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो चालू हो जाता है। और ये है आपका मोड सेलेक्ट करने के लिए कि आपको कौन से वाला, अब आपको सिर्फ चेहरे पे हवा चाहिए, पैरों पे चाहिए, दोनों जगह चाहिए, देन आपको डिफॉगर वाले अगर ऑप्शंस यूज करने तो वो भी कर सकते हैं। बट वी डू हैव ऑप्शन फॉर ऑन द टच स्क्रीन एज वेल, तो आप यहाँ से भी ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें पार्किंग, अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइव करते समय आपको देखना है कि पीछे कौन आ रहा है, कैसे चल रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं इसकी मदद से। तो अगर आप इसको, ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो आपको पीछे की डिटेल्स दिखाने लगेगा। यहाँ पे क्लियर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इसका ये फ्लैश लाइट भी ऑन कर रखी है, बट ये देखिए, देखिए सही आ गया, तो इस तरह से है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाकी आप USB और ऑक्सिलरी केबल लगा करके भी आप अपने म्यूज़िक सिस्टम का मज़ा ले सकते हैं। तो ये है मेनली इसके मोड्स, और ये सारे इसके बटन्स एंड फंक्शंस हैं।
इसके हैमबर्गर के लिए मैंने आपको बता ही दिया था कि स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी रखनी है, कौन सा गाना चल रहा है, एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो क्या कनेक्टेड है, सेटिंग से आप डायरेक्टली यहीं से आ सकते, सेटिंग में बता रहे कि आपने यूज़र प्रोफाइल लगा रखी है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर ऐप के अंदर अगर चले जाते हैं, जैसे कि मान लो मैं सेटिंग्स में चला गया, मेरे को क्विकली बाहर आना है, तो उसके लिए मेरे को ये जो बैक बटन है ये भी दबा सकता हूँ और मैं सीधे एक बार में होम दबा के भी बाहर आ सकता हूँ, और होम दबाने के बाद फिर आप यहाँ पर बाकी चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अपने पास दोनों ऑप्शंस हैं। इसकी जो ऑक्सिलरी केबल है वो यहाँ लगती है, ये वाली, और अगर आपको जो है USB लगानी है तो वो USB के लिए ये चार्जिंग नहीं करेगी, ये केवल और केवल आपका म्यूज़िक प्ले करने के लिए यूज़ होगी। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके आप मुझे बताइए कि आप और किन चीज़ों पे वीडियोस देखना चाहते हैं, और मैं आपके लिए वो अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, बाय।